नायक टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को दबाएं और पाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज सीख लेते हैं कि नए यूएन पोर्टल में हम केवाईसी कैसे अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैं आपको क्रोम का सजेस्ट इसलिए करता हूं क्योंकि क्रोम में आपको डेस्कटॉप रिक्वेस्ट के लिए ऑप्शन देता है। तो चलिए हम इसे पहले डेस्कटॉप रिक्वेस्ट कर लेते हैं। आप ऊपर यहाँ पर थ्री डॉट देख रहे होंगे, इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ नीचे आ रहा है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल जो है ये डेस्कटॉप वर्जन पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सर्च कीजिए यूनिफिट पोर्टल, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर इसे ओपन कर सकते हैं। तो देखिए ये यूनिफिट पोर्टल मेंबर होम आ चुका है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप नए वाले यूएन पोर्टल में आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं अपना यूएन नंबर से लॉगिन हो जाता हूँ पहले। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आप अपना पेज पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया है मैनेज, तो आपको यहाँ मैनेज पर क्लिक करना है और उसमें सेकंड ऑप्शन आ रहा है केवाईसी का, तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। केवाईसी पर जैसे क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड केवाईसी में बैंक, पैन, आधार, पासपोर्ट, ये बहुत सारे हैं। तो आपको मेन तीन चीज़ों की इसमें ज़रूरत है, बैंक का, पैन कार्ड का और आधार कार्ड का। तो आपको जैसे बैंक का केवाईसी अपलोड करना है, इसमें दोस्तों एक चीज़ ये अब जो है बेनिफिट हो गया है कि पहला वाला जो यूएन पोर्टल था वहाँ पे हमको जेरॉक्स कॉपी अपलोड करना पड़ता था। उसमें हम जो भी केवाईसी अपलोड कर रहे हैं जैसे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी अपलोड करना पड़ता था, लेकिन इसमें आपको बस नंबर नाम डालना है। तो जैसे बैंक का आपको अगर केवाईसी अपलोड करना है तो आप यहाँ बैंक पे जाकर ये बॉक्स में राइट का निशान लगा दीजिए और फिर डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पर आपका बैंक डॉक्यूमेंट नंबर डाल दीजिए जो आपका अकाउंट नंबर है। फिर दूसरे वाले कॉलम में आप वो नाम डाल दीजिए जो आपके बैंक में जो नाम है, उसके बाद आईएफएससी कोड डाल दीजिए, उसके बाद आपको नाम वही डालना है जो आपके जो है चेकबुक, आपके पासबुक में जो नाम जिस तरीके से है उसी तरीके से नाम डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पर अदर में देखिए आईएफएससी कोड मांग रहा है, तो आपके बैंक का आईएफएससी कोड डाल दीजिए, ये आपको आपके चेकबुक के फर्स्ट पेज में मिल जाएगा। उसके बाद आप इसे सेव पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे अपडेटिंग होने के बाद आपका जो है यहाँ पर लोड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आपको पैन पे अगर अपलोड करना है तो यहाँ पे पैन के बॉक्स में क्लिक करके अपना पैन नंबर और इधर नाम डाल दीजिए, और इधर आधार में भी आप ऐसे टिक करके अपना आधार नंबर और नाम डाल दीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए। ये एक एक करके कीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसे 10 बजे से ले कर 5 बजे दिन में ही कीजिए, क्योंकि आपको इसमें ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। जैसे सेव कर लेंगे, चलिए मैं अपना जो है यहाँ पर एंटर करके सेव कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने अपना जो है सेव जैसे किया, यहाँ पर नीचे पेंडिंग केवाईसी में आ गया है। तो आप भी जैसे ही अपना यहाँ पर सेव कर लेंगे तो यहाँ पर नीचे पेंडिंग केवाईसी में आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे तीनों जो है कॉलम में आ चुके हैं, आधार, पैन और बैंक का। तो अब आपका एम्प्लॉयर जैसे ही इसे केवाईसी अप्रूव कर देगा, आपका अप्रूव्ड केवाईसी में सबसे नीचे वाले कॉलम में आ जाएगा। अभी मेरा जो वोटर आईडी का मैंने इसे डाल दिया था, तो वो देख सकते हैं अप्रूव हो चुका है, तो नीचे वाले कॉलम में आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो है केवाईसी अपलोड कर सकते हैं न्यू यूएन पोर्टल में।